ईद 2020 पर सलमान खान के इंशाल्लाह के साथ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी क्लैश होने वाली थी, लेकिन सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने रिलीज प्रीपोन करने की घोषणा की। जाहिर अक्षय कुमार के फैंस को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने रोहित शेट्टी को जमकर ट्रोल किया। आखिरकार अक्षय कुमार ने फैंस के लिए एक नोट ट्वीट किया और शांत रहने की रिक्वेस्ट की। दरअसल भारत की रिलीज के साथ ही सलमान खान और रोहित शेट्टी ने मिलकर अनाउंसमेंट की कि सूर्यवंशी अब 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी, ना कि ईद पर, जिसके बाद अक्षय कुमार के फैंस काफी भड़क गए। पिछले कुछ दिनों से हर थोड़ी देर में शेम ऑन रोहित शेट्टी ट्रेंड कर रहा है, जहां अक्षय कुमार के फैंस अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, हम अक्के सर की मूवी ईद पर चाहते हैं, सलमान से कहो कि वह अपनी फिल्म प्रीपोन करें, हम अक्की के साथ हैं। फैंस का मानना है कि ईद पर सूर्यवंशी आती तो नुकसान सलमान खान का भी होता। ऐसे में अक्षय की फिल्म की रिलीज ही क्यों बदली गई, जबकि सूर्यवंशी के रिलीज की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह से काफी पहले ही कर दी गई थी। वेल, इस मामले में अब अक्षय कुमार ने अपने फैंस को शांत रहने को कहा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं पिछले काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मेरे सबसे करीबी लोग यानी आप लोग नेगेटिव ट्रेंड्स चला रहे हैं। मैं आप सबका गुस्सा समझ रहा हूँ। इस बारे में सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश कि प्लीज ऐसी किसी ट्रेंड का हिस्सा मत बनिए। मैंने सूर्यवंशी को काफी पॉजिटिव तरीके से चुना था, इसे रिलीज तक वैसे ही बनाए रखिए। अक्षय कुमार के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।